नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ जो है वो तेजी से कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से नहीं हो पा रही है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है कुछ छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो की शुरुआत जो है किए देते हैं। ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये मैंने एक मिट्टी के पॉट में अपने मनी प्लांट का पौधा लगाया हुआ है और इसकी काफ़ी दिनों से ग्रोथ जो है अच्छी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना होगा, एक ऐसी नुकीली वस्तु लेनी होगी, इसकी जगह आप चाकू भी ले सकते हैं और इसकी सहायता से आप लोगों को मनी प्लांट में जो सॉइल है उसकी चारों तरफ अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई आप लोगों को जितनी गहरी कर सके उतनी गहरी कर दीजिएगा। अब जो है दोस्तों, मैंने अपनी सॉइल की अच्छी तरह से पूरी तरह से गुड़ाई कर दी है, इसी तरह से आप भी कर दीजिएगा। इतना सारा काम कर देने के बाद आप लोगों को ये जो सामने की तरफ आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, ये पीली पत्तियां हैं या फिर सूखी पत्तियां हैं, इन्हें आप गमले से बाहर कर दीजिएगा। तो जल्दी से मैं इन्हें बाहर की देता हूँ, इस तरह से आप बाहर कर सकते हैं। आप सामने इतना सारा काम कर देने के बाद आप लोगों को मिट्टी की दोनों हाथों से इस तरह से आपको कर देना है, मिट्टी के यानी कि ढेल जो हैं उन्हें अच्छी तरह से फोड़ देना है। और ये आप सामने की तरफ देख पा रहे हो कुछ छोटे छोटे पत्थर भी हैं, उन्हें हाथों की सहायता से निकाल देना है। ये काम कर देने के बाद मैंने अपने एक प्लास्टिक के पॉट में फुली डी कम्पोस्ट गोबर खाद ली हुई है दोस्तों, इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं या फिर केंचुआ खाद भी डाल सकते हैं। ये दोस्तों मनी प्लांट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और मनी प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी तरह से हो कर देता है। तो चलिए फिर हम अपने डी कंपोस्ट गोबर खाद को अपने मनी प्लांट के पौधे में दिए देते हैं। अब फिर से मैंने अपना वही मनी प्लांट का पौधा ले लिया है और उसमें मैं अपने हाथों की सहायता से इस तरह से चारों तरफ ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल दूंगा। इतना सारा काम कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से वही नुकीली वस्तु या फिर चाकू लेना होगा और उस चाकू की सहायता से आप लोगों को और एक हाथ की सहायता से इस तरह से आप लोगों को सॉइल में ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद अच्छी तरह से मिक्स कर देनी होगी। चलिए जल्दी से अब हम इसे जो है मिक्स किए देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य कई गार्डनिंग करने वाले लोगों को ये जानकारी मिल सके।
और कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कभी मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।